नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मामला थाना जुनाबाई के मेन चौराहे का है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां चार दिन पूर्व पड़े गोवंश को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। सरकार को इस पर गंभीरता लेते हुए संज्ञान में लेना होगा। आज इस सड़क दुर्घटना में गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो कहीं लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की जाए तो चार दिन से चौराहे पर पड़े हुए मृत गाय के शरीर को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। वहीं सैकड़ों मक्खियां शव पर बैठ रही हैं और हो सकता है वही मक्खियां हाईवे रोड साइड लगी दुकानों फल तथा मिठाई व अन्य दुकानों पर बैठती हैं। यही मक्खियां उन पर भी बैठ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मक्खियों के बैठने से लोगों में भी बीमारियां फैलने की संभावना बनी हुई है। वहीं संबंधित लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो वह भी कम नहीं है। अगर चाहते तो सब लोग पैसों का चंदा इकट्ठा करके ही गोवंश को गड्ढा खुदवा कर गड़वा देते। यह काम करना उन लोगों ने भी उचित नहीं समझा। माता का दर्जा दी जाने वाली गायवंश की इतनी दुर्दशा हो रही है जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। हजारों की संख्या में गोवंश बदायूं, दिल्ली हाईवे, दुबारी कला, धनीपुर एवं जुनाबाई डिवाइडर पर बैठती हैं, जिससे अक्सर दुर्घटना होती रहती है। शायद संबंधित अधिकारी और कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर से गोवंश की बात की जाए तो अभी तक कोई भी गायों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखना यह है कि शासन संबंधित लोगों की आंखें खुलती हैं या ऐसे ही गायवंश की दुर्गति होती रहेगी। यूएफटी लाइव टीवी के लिए संवाददाता टीटू पाल की रिपोर्ट।